नमस्कार दोस्तों, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप भी अपना गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और आप लोगों के ब्लॉग पर कितनी पोस्ट होनी चाहिए और कितना पुराना आप लोगों का ब्लॉगर का जो अकाउंट है होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कितनी पोस्ट होनी चाहिए मिनिमम में और कितना पुराना ब्लॉग होना चाहिए, मैं अपना ब्लॉग जो है अप्रूवल के लिए गूगल एडसेंस में दूँ, तो इस बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप लोग प्रूफ के बगैर कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ findinternetnews.blogspot.com, यहाँ पर आप लोग ऊपर URL को देख सकते हैं। अगर आप चेक भी करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं findinternetnews.blogspot.com। इस वेबसाइट पर आप लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी ऐड आ रहा है, ये बीच में भी ऐड आ रहा है, और मैं आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐड लगा हुआ है और नीचे और बहुत सारे ऐड लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुटर में भी ऐड लगा हुआ है। तो आप भी कुछ इस तरीके से ऐड, जब आप लोगों को गूगल एडसेंस का प्रोल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट होनी चाहिए आपके ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरी पोस्ट अभी कितनी है प्रेजेंट। मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 21 पोस्ट। ये 21 पोस्ट मैंने अभी तक यहाँ पर लिखा है, और मैं अपना पूरा जो डाटा है आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेटस में जा करके कि कितना व्यूज़ आ रहा है, कितना क्या है, सारा चीज़ मैं सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल टाइम व्यूज़, तो यहाँ पर ऑल टाइम व्यूज़ भी देख सकते हैं, और यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो कितनी पोस्ट हैं। सिर्फ 20 पोस्ट हैं और मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल शायद 16 या 17 पोस्ट पर मिला था। लेकिन पुराना ये कितना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पुराना सिर्फ 1 महीना दोस्तों पुराना ये ब्लॉग था जिस पे मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। अगर आपका ब्लॉग ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो आप लोग उस ब्लॉग को छोड़ दीजिए और ब्लॉग पर जितनी भी पोस्ट आपने लिखा है उसे कहीं कॉपी कर लीजिए और एक दूसरा ब्लॉग क्रिएट कर लीजिए, उस पर आप लोग अपनी पोस्ट को पब्लिश करिए। और अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपना आर्टिकल लिखा है तो आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप अपना यूनिक कंटेंट और सही तरीके से अपनी पोस्ट लिखेंगे तो आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपना जितना भी आर्टिकल लिखा था रियल लिखा था और कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से टॉपिक को सर्च करना है, कैसे पोस्ट लिखना है मुझे, तो आप लोग मेरे इस वेबसाइट पर आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप अपने पोस्ट लिखते हैं, इस तरीके का अगर काम करते हैं अपनी ब्लॉग पर, तो आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप लोग प्रीमियम थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, यहाँ पर उपलब्ध है, और मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था, उसी थीम को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।